हेलो एंड वेलकम टू फार्मर्स टेक। आज हम इस वीडियो में रोबोट्स के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रोबोट्स क्या है? व्हाट इज रोबोट्स? रोबोट एक तरह का मशीन है जो खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। ये कई मुश्किल कार्य को सरलता से अपने आप ही करने में सक्षम होता है। रोबोट मैकेनिकल सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें सभी का रोल एक समान होता है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो रोबोट्स के बारे में सुना नहीं होगा। लगभग हर व्यक्ति इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, पर बहुत कम होंगे जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। रोबोट्स एक तरह की मशीन है जो इस तरह से निर्मित होता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति के कामों को खुद ही एक गति और शुद्धता के साथ पूरा कर सकता है। कुछ रोबोट को नियंत्रित करने के लिए एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है और बहुत से रोबोट में नियंत्रण करने के लिए उसके अंदर ही कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ रहता है। इनका शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। जो मनुष्य के जैसा हूबहू दिखता है उसी को रोबोट बोलते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये किसी भी रूप का हो सकता है। ये उसके काम पर निर्भर करता है, क्योंकि साइंटिस्ट जैसा काम लेना होता है उसी आकृति में बनाते हैं। अगर इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट ही बनाए जाए तो फिर वो इंसान जैसा ही काम करेगा ना, जबकि ये तो बहुत बड़े बड़े आकार के भी बनाए जाते हैं, जो हेवी इंजीनियरिंग यानी बड़े आकार के मशीन को बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। हाउ डज ए रोबोट वर्क? रोबोट का मतलब क्या है ये तो आपको समझ आया होगा। रोबोट में हर तरह के काम करने के लिए अलग अलग मशीन लगाई जाती है। इसमें 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसको काम करवाने के लिए। स्ट्रक्चर बॉडी, सेंसर सिस्टम, मजिल सिस्टम, पावर सोर्स, ब्रेन सिस्टम। किसी भी रोबोट में हरकत करने वाले फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से एक तरह का मोटर सेंसर सिस्टम पावर देने के लिए सोर्स कंप्यूटर ब्रेन होता है, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। रोबोट पिस्टन का प्रयोग करते हैं जो कि उन्हें अलग-अलग दिशाओं में चलने में मदद करते हैं। इसके ब्रेन में प्रोग्राम बनाकर डाला हुआ होता है। उसी के अनुसार रोबोट ब्रेन बॉडी को संचालित करता है। ये लिखे हुए प्रोग्राम के आधार पर ही काम करता है और चलता है। दूसरे काम करने के लिए प्रोग्राम को फिर से लिखकर बदला जाता है। सभी रोबोट्स में सेंसर नहीं होता। किसी रोबोट में तो सुनने सूंघने के लिए भी सेंसर लगा हुआ रहता है। टाइप्स ऑफ रोबोट। रोबोट कितने तरह के होते हैं? अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि रोबोट क्या है। आप जानेंगे कि रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनको उनके काम के आधार पर और उनकी तकनीक के आधार पर
अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाता है। सबसे पहले मैकेनिज्म यानी यांत्रिक के आधार पर प्रयोग होने वाले रोबोट्स के बारे में जानते हैं। स्टेशनरी, लिजिड, व्हील्ड, स्विमिंग, फ्लाइंग, स्वार्म, मोबाइल, स्पेरिकल। स्टेशनरी रोबोट्स, इस तरह के रोबोट्स एक ही जगह फिक्स्ड किए हुए होते हैं। ये अपना सारा काम एक ही जगह पर करते हैं। इनकी पोजीशन और मूवमेंट की दिशा फिक्स की हुई होती है और बस उसी स्थिति में उन्हें काम करने के लिए बनाया जाता है, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग और ग्रिपिंग के काम करने वाले रोबोट्स स्टेशनरी रोबोट्स होते हैं। लिजिट रोबोट्स, रोबोट्स की दुनिया में जब व्हील्ड रोबोट्स की पकड़ काफी मजबूत हुई, तब साइंटिस्ट ने इसकी जगह इससे भी अच्छा विकल्प बनाने के लिए काफी मेहनत की। जैसे कि इसकी कुछ सीमाएं होती है वो खत्म हो जाएं, जैसे व्हील रोबोट्स में काम करवाने के लिए सिर्फ समतल सतह में ही काम कर सकते हैं। व्हील रोबोट्स सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पैर लगा दिए जाएं तो जरूर चढ़ेंगे। किसी मशीन में पैर लगा के उसे काम करवाना काफी है, लेकिन जिस तरह इंसान का बच्चे को चलना सीखने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं, तो फिर क्या एक रोबोट के पैर लगवा कर उसे चलवा या जा सकता है क्या? जी हाँ, ये भी संभव हो चुका है। बहुत से ऐसे रोबोट्स हैं जो चलने भी लगे हैं। इस तरह के रोबोट्स किसी भी वातावरण में ऊबड़ खाबड़ सतह में चल सकते हैं। व्हील रोबोट्स वैसे रोबोट्स जो सतह पर व्हील्स के सहारे चलते हैं। इस तरह के रोबोट्स को बनाना यानी प्रोग्रामिंग करना और डिजाइनिंग करना काफी आसान होता है व्हेन कंपेयर टू लीज्ड रोबोट्स, लेकिन ये सिर्फ सतह पर ही चल सकते हैं। स्विमिंग रोबोट्स, रोबोट फिश एक पानी में स्विम करने वाला रोबोट है जिसकी आकृति और तैरने का तरीका एक फिश के जैसा ही होता है। 1989 में पहले MIT यूनिवर्सिटी द्वारा स्विमिंग रोबोट्स के ऊपर रिसर्च को सबके सामने लाया गया। फ्लाइंग रोबोट्स ऐसे रोबोट्स हैं जो उड़ने में सक्षम होते हैं। इसमें छोटे आकार और बिना मानव वाले रोबोट्स भी होते हैं जो कि कई सारे काम कर सकते हैं। इस तरह के रोबोट्स सर्च और रेस्क्यू मिशन में काम आते हैं। ये किसी भी प्राकृतिक विपदा में फंसे लोगों की तलाश भूमि के बड़े क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। स्वयं रोबोट्स, छोटे छोटे रोबोट्स मिलकर जब एक बड़े सिस्टम काम करते हैं तो इसे स्वयं रोबोट्स बोला जाता है। बहुत सारे रोबोट्स की जो काम करने की क्षमता होती है वो इनके आपस और पर्यावरण के साथ इंटरैक्शन के आधार पर होती है। मोबाइल स्फेरिकल रोबोट्स, स्फेरिकल रोबोट्स को मोबाइल स्पेशल रोबोट्स कहा जाता है। ये सतह पर रोल करके या लुढ़क कर मूव करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि काम करने के आधार पर रोबोट्स कितने तरह के होते हैं। डोमेस्टिक रोबोट्स वैसे रोबोट्स जो घर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर, स्वीपर, गटर क्लीनर इत्यादि। मेडिकल रोबोट्स, मेडिकल की दुनिया में इनका इस्तेमाल बहुत अहम हो चुका है। एक से एक रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल तो रोबोट की मदद से डॉक्टर कृत्रिम रोबोट्स हाथों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन कर रहे हैं और मेडिकल की दुनिया में ये एक क्रांति के रूप में उभरा है, क्योंकि डॉक्टर दूर रहकर भी लोगों की जान बचा लेता है। मिलिट्री रोबोट्स, मिलिट्री में यूज किए जाने वाले रोबोट्स काफी मददगार होते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए
भी काम में लिए जाते हैं। ये ऐसी जगह में आसानी से जा सकते हैं जहाँ इंसानों का जाना मुश्किल होता है। ये किसी भी एरिया में जाकर दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ के उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। स्पेस रोबोट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे काम रोबोट्स के सहारे ही किया जाता है। मंगल ग्रह में भी रोवर नामक रोबोट को भी भेजा गया है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आज दुनिया के हर हिस्से में आम जिंदगी में इंसानों द्वारा ज़रूरत के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाया जाता है। हर तरह के खाने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े, गाड़ी जैसी बहुत सी चीज़ों को बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, और इन इंडस्ट्रीज़ में भी रोबोट्स का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप अलग-अलग प्रकार के रोबोट्स के बारे में तो जान चुके हैं। दुनिया में अलग-अलग तरह के उपयोग के आधार पर रोबोट बना चुके हैं। अभी हाल ही में चीता नामक रोबोट के तीसरे संस्करण को बनाकर दुनिया के सामने लाया गया है। ये बिल्कुल चीता के समान ही तेज है और ये उछलने, कूदने और हर तरह के चलने और दौड़ने में माहिर है। ये जानकर के जैसा रोबोट में सबसे विकसित रोबोट में से एक है। दिस वीडियो इज अबाउट रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉमेंट्स बिलो फॉर क्लैरिफाइंग मोर क्वेरीज। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।